हाल ही च दिल का दौरा पैण नाल महज 40 साल की उम्र च टीवी स्टार सिद्धार्थ शुक्ला की बेवकती मौत हो गई, जिस तो बाद टीवी जगत तो लैके बॉलीवुड तक सोग की लहर छा गई। सिद्धार्थ शुक्ला की इस बेवकती मौत ने उन्होंने फैंस को काफ़ी सदमा दिता है। दस दईए कि सिद्धार्थ शुक्ला ने अपने करियर की शुरुआत बतौर मॉडल की थी सी, ते साल 2008 च बाबुल कांगन छूटे ना सीरियल च नज़र आए सी, पर सिद्धार्थ नू असली पहचान बालिका वधु सीरियल तो मिली। सीरियल तो बाद सिद्धार्थ ने खतरों के खिलाड़ी सीजन 7, बिग बॉस सीजन 13 ते झलक दिखला जा सीजन 6 वर्गे रियलिटी शो च भाग लिया, ते बिग बॉस अते खतरों के खिलाड़ी दे विजेता भी रहे। सिद्धार्थ शुक्ला ने ना सिर्फ बिग बॉस की ट्रॉफी जीती बल्कि उन्होंने प्रशंसकों से वाधा भी होया। दस दईए कि सिद्धार्थ ने साल 2014 च हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया नाम की फिल्म च बतौर सह कलाकार बॉलीवुड च डेब्यू किया। फिल्मों तो इलावा सिद्धार्थ ने ब्रोकन बट ब्यूटीफुल 3 नाँ की वैब सीरीज तो OTT ते भी डेब्यू किया, जो कि काफ़ी सफल रही। बिग बॉस के शो दौरान सिद्धार्थ और शहनाज की जोड़ी काफ़ी चर्चा च रही, तो इस जोड़ी ने सोशल मीडिया से सुर्खियां भी बटोरी। सिद्धार्थ शुक्ला की मौत से सितारों वालों सोशल मीडिया से पोस्ट साझी कर दुख प्रगटाया गया। और बता, शहनाज इतनी पतली, अरे कसम से आज इतनी पतली होगी, इसको मोटी बुला नहीं सकता मैं। क्या करके बॉम्बे में रह के घर से बाहर दूर रह के आटे दाल का भाव पता चल रहा है, खाना नहीं खा पा रही है? हाँ, राशनिंग आती है ना मुझे। तो राशनिंग तो आती है पर अभी खाना वाना नहीं खा पा रही है तू? खाती नहीं है? नहीं, मैं डाइट करती हूँ। डाइट तो बोलने के लिए होता ना। क्या हो रहा है, मतलब खाना नहीं जम रहा है तो बोल दे यार, मैं भिजवा दूंगा। है? हाँ, मेरे बहुत मिल रहा है। हाँ, तो ठीक है, तू भिजवा दिया कर। सही है, पैसे मत लियो मेरे से। पागल हो गई थी पक्का? चल ठीक है, इतने बचाए इतने दिनों से उसका क्या? मत बोल बकवास, क्यों कर रहा है? क्या कुछ नहीं बचाया मैंने, अभी मैं नई नई हूँ बॉम्बे में। तो फिर खा क्यों नहीं रही है? अभी तो ब्लास्ट तो पतली कैसे हुई तू? पतली कैसे हुई यार? वर्कआउट कर रही है? नहीं, अच्छी डाइट खाती हूँ। अच्छी डाइट क्या होता? अच्छी डाइट इन द सेंस, हाँ यार छोड़ तू। और बता बता बताओ, लोगों को मालूम पड़ना चाहिए ना कि आती है। सबको पता है? नहीं, किसको नहीं पता, मेरे को नहीं पता। बोल के मतलब, जैसे पहले उठो। अच्छा, उठ के खाना एप्पल विनेगर पीना है। एप्पल भी देगा? हाँ, तो उसके बाद मैं चाय पीती हूँ। एप्पल साइडर पीने करके? हाँ, जो भी है चल। अच्छा, उसके बाद मैं चाय पीती हूँ। चाय पी के मैं क्या करती हूँ? रीटा आंटी, मम्मी भी आ गई है? रीटा आंटी, रीटा आंटी मम्मी का नाम किसी ने लिखा होगा। अच्छा, ऐसे ही मेरे को मम्मी भी है। बिग बॉस नहीं आ रहा, अच्छी डाइट में किया क्या आता? क्या क्या आता है, क्या क्या आता है बताओ। अच्छी डाइट में तो पहले पीली दाल। पीली दाल? अच्छा, उसके साथ रोटी। क्या बात है, बस एक टाइम। और तीन रोटियां नहीं खानी, दो खानी है सिर्फ, देसी घी लगा सकता है तू। और फिर शाम को तू चाय पी सकता है। अच्छा, और रात को मतलब मिलता है तो मिले, नहीं मिलता तो चुप करके सो जा। ये कर रही है तू? तू इधर रह, थोड़ा दिख नहीं रहा। मैं दिखा हूँ यार, जितनी मैं काफी। शहनाज इज द क्या 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 शहनाज तो कहाँ दिख रही है मेरे को? तू वही पढ़ रही है जो मैं पढ़ रहा हूँ। मैं बिग बॉस का आप दोनों वाला फेवरेट सीजन। अच्छा, हाउ स्वीट, थैंक यू यार। फेवरेट सीजन पता क्यों था? क्योंकि हम दोनों थे बीच में। अच्छा, रियलिटी बता रही हूँ, रियलिटी है। सही सही है। अच्छा वैसे भाई, ये कौन है, ये क्या हो रहा है, बड़ा बड़ा ये क्या हो रहा है? ये कह रहे हैं कि हमें भी ऐड करो बीच में। कैसे ऐड करे, तो है ना पहले से? नहीं, कहते हमें भी ऐड करो, हम भी साथ में बात करेंगे, ये इसलिए रिक्वेस्ट करते हैं। अच्छा अच्छा, अरे पहले हम लोग की बातें तो हो जाएं। हाँ। अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ शहनाज, तेरे ये आज मैं करने क्या है पता तुझे? क्या क्या करने है? बता। ये ना, मुझे सारे कहते थे तुम सिद्धार्थ के साथ लाइव आओ, सिद्धार्थ के साथ लाइव आओ। आज मैंने कहा आज लाइव आऊंगी आऊंगी, और इसको आना पड़ा देखा। और आज मैं जो करने आई हूँ, आज मैं अपना काम करने आई हूँ। क्या काम है? मेरी ट्रॉफी यहाँ पड़ी है। राइट, क्या है हड़िया? ओए पागल बनूं जा, दिखा दे ना पागल को। क्या लोगों ने देखी ट्रॉफी? तो इसको लेने, उसको क्या करूं? मैं लेने आई हूं, उसको लेने आई हूं। क्यों, ट्रॉफी क्या करेगी लेके? क्योंकि ये मेरी है ना। नहीं, तेरी नहीं है। तू मेरी है और तू मेरी रहेगी, तेरे पे सिर्फ मेरा हक है, फाड़ के रख दूंगी नहीं तो सबको। अबे चल ये डायलॉग तू जा पार्ट में, सब टाइम वही डायलॉग ही चलेगा। चल गदी, चल आगे जा, आगे चल। सेम डायलॉग मारती रहती, सेम टाइम हर टाइम, कुछ नया तो कर।
नीचे कर, मेरा मुंह मोटा लगेगा। तेरा मुंह मोटा लगेगा, तू है वैसे ही दिखेगा भाई, अलग थोड़ा दिखता कुछ। अच्छा अब छोड़, अब मेरे को बता इधर आ, तुझे दिख नहीं रहा। अच्छा मैं ये बता, तेरे शहनाज़ से कुछ बोले हैं? बहुत लड़ते हैं लोग अपने सिद्धार्थ के साथ। तू सिद्धार्थ को बोलना, वो बहुत लड़ते हैं मेरे शहनाज़ के साथ, पंगे लेते हैं। यार कोई नहीं लेता है पंगे तेरे शहनाज़ के साथ, वो बेचारे चुपचाप अपना काम कर रहे होते हैं, उन लोग कुछ बोलते हैं और फिर उन लोग भी बोलने लग जाते हैं। तो क्यों वो, अच्छा ताली एक हाथ से नहीं बजती कभी भी, तो क्यों लड़ते रहते? ताली मार दोनों हाथ से, चुटकी तो बजती है। बट एक बात तेरे को मैं बता देती हूँ, हम इन दोनों को क्यों बोले, हम इनको दोनों को ये क्यों नहीं बोलते कि तुम लड़ते क्यों है? वही तो पूछ रहा हूँ मैं कि क्यों लड़ते हो, तो पूछने बोल रहा हूँ। ऐसे ही पागल हुए बड़े। अच्छा पर बॉस हम दोनों नहीं लड़ रहे, तो आप लोग क्यों लड़ रहे हो? हाँ। ऐसा क्या हो रहा है सिद्धार्थ और शहनाज़ में, इतना प्रॉब्लम क्या हो रहा है? अगर कोई एक दो लोग कुछ गंदा बोल भी रहे हैं तो उसको भूल जाओ, मत सुनो, अपने पास तो वो ऑप्शन है कि हम आगे बढ़ सकते हैं। जरूरत थप्पड़ मार दो। और हमारा ऑप्शन है कि हमें पूछना है, फैन ऑन कर, एसी नहीं तुम्हारे घर? ये क्या चल रहा है, पसीना क्यों आ रहा है? हम लोग गरीब लोग हैं, पैसे ओके, हमें एसी ठंडा नहीं करता। कोई ना, पैसे आ जाएंगे तेरे पास। आएंगे ना? पंजाबी सिनेमा ते संगीत जगत दी होर लेटेस्ट अपडेट्स लई साडा फेसबुक पेज बॉलीवुड तड़का पंजाबी लाइक करो ते यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो।